हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज बहुत ही एक मजेदार टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे एक यूजर ने मुझसे पूछा है और हम इसी चीज पे आपके साथ बातचीत करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम डेटा के अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं वो सही है? बिल्कुल सही नहीं। पिवट के अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होता है हर केस। चलिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमने एक पिवट लगाया जिसमें हमने यहाँ रखा और क्वांटिटी लिया। अब हम यहाँ पे एवरेज एमआरपी का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज इसलिए ले रहे हैं कि सम सही नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि 17 पीस 37 के हिसाब से बिका है। तो मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, और हम डेटा में ना करके पिवट के अंदर करना चाहते हैं। तो जनरली लोगों को बताया जाता है कि आप यहाँ फील्ड पे जाएं, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएं, और यहाँ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा दिया अमाउंट और इक्वल, हम यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी कर दिया और यहाँ ऐड करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6431 रिजल्ट आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से पूरा गलत है। क्यों? चलिए हम आपको बताते हैं। उसके लिए हमें एक बार फिल्टर करना होगा अपने पूजा। तो पूजा को लिया यहां से, यहां हम पूजा को किए फिल्टर और इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई चेक करने के लिए इसको आपस में, और रिजल्ट आता है 6। यहाँ पे इसको भी कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं तो आप देखिए रिजल्ट आया है 3653। यहाँ पे 3653, बट मेरा पीपर क्या दे रहा है, मेरा पीपर दे रहा है 643। अच्छा, इसमें कुछ लोग एक और सलाह दिए हैं हमें। मैं यहाँ कैलकुलेटर फील्ड में वापस आता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ अमाउंट और इसको यहाँ कर देता हूँ सम, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं मॉडिफाई, देन ओके। एक बार रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क नहीं, मतलब कि मेरा गलत दे रहा। अब इसके दो तरीके हैं, चलिए हम दोनों तरीके के बारे में अब बात करते हैं। पहला कि हम इस डेटा को लेते हैं, इसको पहले हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पिवट टेबल में न जाके हम डेटा मेनू में जाए में, और फ्रॉम टेबल रेंज देन ओके, और ये पावर क्वेरी के अंदर में हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐड कॉलम में जाके न्यू रेंज, सॉरी माफ कीजिएगा, कस्टम, यहाँ पे डालते हैं अमाउंट, यहाँ हम डालते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, देन ओके। अब यहाँ पे हम लोड एंड क्लोज टू कर लेते हैं, क्लोज एंड लोड टू, और इसमें पिवट टेबल रिपोर्ट सेलेक्ट करके ओके करते हैं। अब इसमें नेम एंड हम यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 3653, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। या दूसरा तरीका, हम पावर पिवट के थ्रू मेजर्स बना सकते हैं। तो हम टेबल यहाँ पे आते हैं C12 पे और पावर पिवट पे जाते हैं, और यहाँ ऐड टू डेटा मॉडल, इस तरह का पावर पिवट टेबल का एक विंडो खुल के आएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको हम यहाँ भी जैसे कर, वहाँ पावर पिवट में पावर क्वेरी में कैलकुलेट किया, हम यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम कैलकुलेट ना करके सीधे पिवट टेबल पे चले जाते हैं। और हम यहाँ राइट क्लिक कर हम यहाँ शो फील्ड लिस्ट पे आते हैं, और यहाँ हम नेम को उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं, क्वांटिटी को उठाइए, क्वांटिटी को रख दिया, एमआरपी के एवरेज निकाल लेता हूँ, नंबर फॉर्मेट में जाके मैं नंबर में जाके जस्ट 2 कर देता हूँ। तो हमारा आ गया, लेकिन मुझे यहाँ अमाउंट चाहिए ना, तो हम टेबल 2 जिसे दिखा रहा है इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ये तभी दिखेगा जब आप पावर पिवट के थ्रू पिवट लगाएंगे, तभी आपको दिखेगा, अदरवाइज नॉर्मल जिसमें एक्सटर्नल लगाया तो देखिए नहीं दिख रहा है।
तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम ऐड मेजर्स पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मेजर्स आ गया, यहाँ पे नेम दे दिए हमने, यहाँ दे दिए अमाउंट। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए किसका है। अब यहाँ पे फॉर्मा लगाएंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सम कर दो, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे चलेगा पावर की डैक्स फॉर्मूला। जी हाँ, डैक्स फॉर्मूला, चूंकि मेजरली हम लोग पावर पिवट में या पावर बीआई में यूज करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आता है सम एक्स, सम एक्स, और सम एक्स में हमने सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लिया अपना टेबल कि मेरा टेबल कौन सा है इसमें। तो मैंने यहाँ पे टेबल डाला, टेबल टू, और फिर यहाँ बोला है कि क्या चाहिए। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन, जो भी कैलकुलेशन करना है ना मुझे, अब यहाँ करना है। तो यहाँ हमारा है कि क्वांटिटी, और यहाँ पे क्लिक करके मल्टीप्लाई अमाउंट, अमाउंट एमआरपी है ना, एमआरपी, और फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया जनरल। यहाँ पे चेक फॉर्मूला कर लीजिए, यहाँ पे देखिए दिस फॉर्मूला इज नो एरर। अब आप ओके कीजिए और यहाँ पे देखिए एक अमाउंट का नया कॉलम बन गया, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ टू जार जो दिख रहा है 3653 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो कैसे मेजर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे ये देख लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पावर पिवट का फीचर 2013 ऑनवर्ड है, 13, 16, 19, 21 इसमें मिलेगा। अब 2007 है नहीं मिलेगा, 2010 में पहले इसके पैचेज आते थे, एडिंस आता था, अब पता नहीं आता कि नहीं आता, क्योंकि मैं 2010 को यूज की हुई, हमें तकरीबन 12-13 साल हो चुका है इसलिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिएगा। पूरी वीडियो सीरीज चाहिए एक्सेल की तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि नीचे लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू।